नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडर मैन परमाणु की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आई एम सॉरी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हेलो इंस्पेक्टर विनय, मैं छिपरा बोल रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। ना ना, कुछ मत बोलो, यहाँ आओगे तो सब बता दूंगी। ठीक है, मैं आता हूं। छिपरा सीरियस थी, ना जाने क्या बात होगी। डोरबेल का स्विच मत दबाओ, दरवाजा खुला है विनय, प्लीज कम इन। आओ विनय, क्या बात है, क्यों बुलाया? विनय, मेरी इस सबसे प्यारी सहेली कामना ने मुझे एक डायमंड रिंग दी थी, वो खो गई है। प्लीज विनय, उसे ढूंढवाने में मेरी मदद करो। क्या तुम उसे हर समय पहने रहती थी? हाँ। क्या आज जब तुम सोकर उठी तो वो उस वक्त तुम्हारी अंगुली में थी? हाँ। क्या जब तुम टॉयलेट गई थी उस वक्त तुम्हारी उंगली में थी? हाँ। जब तुम टॉयलेट से बाहर आई तो क्या वो तब भी तुम्हारी उंगली में थी? हाँ। उसके बाद तुम किचन में गई होगी। हाँ। अंदर पराठों की महक आ रही है, क्या पराठे बनाए थे? हाँ, पराठे बनाने के लिए आटा गूथा होगा। हाँ, आटा उसी हाथ से गूथा होगा जिसमें अंगूठी थी। हाँ, मुझे भी यही शक था जो अब यकीन में बदल गया है। हाँ, मेरा मतलब क्या मतलब? यही है ना तुम्हारी अंगूठी? हाँ, आटा गूथते वक्त आटे में गिर गई थी। हाँ, तुम्हारी अंगूठी मिल गई तो अब मैं चलूं? हाँ, मेरा मतलब, रुको, ठहरो विनय, अब क्या है? मुझे इसकी कीमत की परवाह नहीं, पर मेरे लिए ये बहुमूल्य है। इस अंगूठी से मेरी सहेली की भावनाएं जुड़ी है, इसलिए तुम्हें बुलाया था। एक कप कॉफी पीकर जाओ ना, मैं अभी ठंडा पीकर आया हूं। थैंक यू विनय। ये लड़कियां पता नहीं क्यों अपने दिमाग का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करती। हेलो इंस्पेक्टर विनय, कॉलिंग हेडक्वार्टर, इंस्पेक्टर विनय हियर, ओवर। 100 नंबर पर कंप्लेंट मिली है, तुम्हें जहां जाना है पता नोट करो, ओवर। लगता है आज का दिन बेहद बिजी होने वाला है। अरे, ये पता छिपरा का ही है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। डोरबेल का स्विच मत दबाना विनय, दरवाजा खुला है, प्लीज कम इन। अब क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे पाजेब का जोड़ा दिया था। विनय, प्लीज ढूंढो, उनमें से एक कहीं खो गई है। सारा घर छान डालने पर भी नहीं मिली। पराठे खाने के बाद तुमने क्या किया? अखबार पढ़ा। तब पाजेब तुम्हारे पाँव में थी? हाँ। उसके बाद तुमने क्या किया? मैं लॉन में गई। रस्सा कूदा होगा? हाँ, रस्सा कूदते कूदते तुम्हारी ये पाजेब यहीं गिर गई। हाँ, तो फिर तुमने उठाई क्यों नहीं? मुझे उस वक्त पता नहीं चला था। ओके, केस सॉल्व हो गया, अब मैं चलूं? हाँ, पर सुनो। बोलो। पाजेब से मेरी माँ की भावनाएं ना जुड़ी होती तो कभी कंप्लेंट ना करती। एक पेप्सी पीकर जाओ ना। शुक्रिया, मेरा दिमाग अभी ठंडा है। ओफो, आज छिपरा ने अपने घर के दो चक्कर लगवा कर मेरी सारी समय खराब कर दिया। क्या? ठीक है, साहब के आते ही, लो साहब आ गए, हम अभी आते हैं। साहब, फौरन जाना होगा, किसी आदमी का फोन था, बस यही कहा है कि फौरन आ जाए। फोन आदमी का था ना? हाँ साहब, मैंने पता याद कर लिया है। शुक्र है, मैं तो समझा था कि फिर छिपरा का फोन है। साहब आइए, साहब यही पता है। पर ये तो कमाल है, ये तो छिपरा का पड़ोस है, क्या आज मेरा सारा दिन इसी जगह पर गुजरेगा? बैल रहने दो साहब, मैं आ गया। क्या हुआ? मेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ साहब। हुआ तो वहां है, मेरी पड़ोसन छिपरा मैडम के घर, और शायद उसका फोन भी खराब हो गया है, इसलिए उसने मुझसे फोन करने को कहा था। छिपरा, यू इडियट, भड़ा, आउच,
अरे विनय, तुम आ गए, डोरबेल क्यों नहीं बजाई? मैंने समझा हर बार की तरह दरवाजा इस बार भी खुला होगा। खैर कोई बात नहीं, अंदर आओ। रस्सा कूदने के बाद तुमने क्या किया? मैं फिर टॉयलेट गई, नहाने के बाद फिर गाउन पहनकर तुम बाहर निकली, जैसे कि अक्सर घरों में होता है। हाँ, तुम्हारे बाल गीले थे। हाँ, उस पर तौलिया बंधा था। जल्दी हाँ बोलो। हाँ, बाल सुखाने तब तुम बालकनी में आई। हाँ, बालों से तौलिया उतार और तौलियों से झटके दे देकर बालों में से पानी झटका। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बालकनी होती ही है इसीलिए। और तब ये ब्रेसलेट तुम्हारी कलाई से निकलकर यहाँ गिर गया। हाँ विनय, तुम तो पूरे जासूस निकले, क्योंकि इस बार तो मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया था कि मेरी कौन सी चीज गुम होगी, और तुमने ढूंढ भी निकाली। वंडरफुल, तभी तो मैं तुम पर मरती हूँ। आओ मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे पता है कि बाल सुखाने के बाद तुम अपने ड्रेसिंग टेबल पर आई होगी। हाँ, यहाँ इस स्टूल पर बैठी होगी, है ना? हाँ, यहाँ पर बैठकर तुमने बालों में कंघी या ब्रश किया होगा। ओके, किया था ना? हाँ, और तब ये क्लिप जो कि सोने का है यहाँ गिर गया होगा। हाँ, यू आर रियली ग्रेट विनय। ये वे ब्रेसलेट और क्लिप हैं जो तुमने मुझे बर्थडे पे प्रेजेंट में दिए थे। इनमें मेरी कोमल भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैंने कब दिए थे? यही तो रोना है विनय, मुझे प्रेजेंट देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। ये दोनों चीजें मैंने तुम्हारी ओर से खुद ही खरीद कर खुद को तोहफे में दी थी, तो क्या बुरा किया था? उफ, कुछ और खोया है तो वो भी बता दो, क्योंकि अगली बार मैं नहीं आऊंगा बल्कि सब इंस्पेक्टर मूछ बहादुर को भेजूंगा। नहीं, बस सब कुछ मिल गया तुम्हारे अलावा। विनय, जब तक ठंडा आए एक कप कॉफी पीकर जाओ ना। नो थैंक्स, तुमने मेरा दिमाग काफी गर्म भी कर दिया और ठंडा भी। उफ, बाज आया इस लड़की से। तुम क्या जानो विनय, तुम क्या जानो कि तुम्हारे साथ पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूं। उफ, कब समझोगे तुम मेरे प्यार को? सुबक, प्यार की एक तरफा कहानी विनय के जीवन का हिस्सा थी, इंस्पेक्टर विनय के जीवन का नहीं। इंस्पेक्टर विनय का जीवन तो सिर्फ और सिर्फ कानून से बंधा था, अपराध और अपराधियों से जुड़ा था। जो अपराध और अपराधी कानून की भी हद से बाहर चले जाते हैं तो उनके अंत के लिए उसकी भी वर्दी बदल दी जाती है, और वो बन जाता था इंस्पेक्टर विनय से परमाणु। हर ओर पॉल्यूशन है, हवा में धुएं के रूप में और इंसानों में अपराध के रूप में। समाज में होने वाले किसी भी अपराध के कई कारण हो सकते हैं, गरीबी, दुश्मनी, मोहब्बत या फिर कोई विवाद। पर अपराधी शायद भूल जाता है कि अपराध अपराध ही होता है, जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। यही है ना तेरा इलाका इंस्पेक्टर विनय? तेरे ही इलाके में करूंगी। हाँ इंस्पेक्टर विनय, सारे अपराध तेरे ही इलाके में करूंगी। आफत नाम है मेरा, आफत आएगी, अब तेरे इलाके में आफत आएगी। अब शुरू होगी कानून और अपराध में आंख मिचौली। सुनसान सड़क, एक कार, कार में एक नवविवाहित युगल। अचानक कार को रोकना पड़ा, मजबूरी थी। आओ देखें, किसी अच्छे घर की लगती है। इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।